सोना मोहपात्रा ने एक बार फिर साधा कंगना रनौत पर निशाना। कंगना रनौत के अब तक के स्टेटमेंट्स पर दिया रिएक्शन। क्या जावेद अख्तर ने भी नेपोटिज्म पर बात करते इनडायरेक्टली किया कंगना पर वार? क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट शेयर कर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने जहां कंगना का समर्थन किया तो वहीं कई उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। इसी बीच सोना मोहपात्रा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर एक बार फिर निशाना साधा है। कंगना ने पिछले दिनों ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी कई सेलेब्स को खूब खरी खोटी सुनाई है। एक बार फिर सोना मोहपात्रा ने कंगना पर हमला बोल दिया है। जी हां, हाल ही में कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था और उनके इस बयान को लेकर सोना ने कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कंगना पर किसी की मौत का फायदा उठाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, किसी को माफिया बताना, सस्ती कॉपी कहना, सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता देना, किसी की मौत का इस्तेमाल कर लोगों की नजरों में मसीहा बनने का ये असफल प्रयास है। ऐसा कर तुम हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दे पाओगी, बल्कि एक खराब उदाहरण पेश करोगी। वेल, सोना मोहपात्रा ने इससे पहले भी कई बार कंगना को टारगेट करते हुए ट्वीट किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में और खास करके नेपोटिज्म पर जावेद अख्तर का बयान भी सामने आया है। दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का कहना है कि कुछ लोग विरासत और नेपोटिज्म में फर्क नहीं समझ पाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने रिपोर्टेडली इनडायरेक्टली कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए नेपोटिज्म पर अपनी राय देते हुए कहा, मेरा मानना है कि लोग दो चीजों में कंफ्यूज हैं। नेपोटिज्म संभव नहीं है क्योंकि अंत में जो आदमी बॉक्स ऑफिस पर टिकट खरीद रहा है वो वोटर है और इसे नकारा नहीं जा सकता। लोग विरासत और नेपोटिज्म में कंफ्यूज होते हैं। जावेद अख्तर ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, यदि कोई फिल्मी घराने में पैदा होता है तो उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। कई बार स्टार किड्स ने खुद कहा है कि फिल्मी परिवार से होने के कारण उन्हें काम की मौका मिलना आसान हो जाता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है उन्हें सफलता ही मिले। वेल, फिलहाल कंगना सुशांत केस के साथ साथ अपने राइट्स के लिए भी लड़ रही हैं, लेकिन कुछ सेलेब्स से उनको लगातार स्लैम किया जा रहा है। फिलहाल आप हमें बताइए इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है। Also, do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.